एशिया ओसियाना जूडो चैंपियनशिप जो केडेड और जूनियर वाला वर्जन लिबानान में 2 दिसंबर से शुरू हुआ था। कल फाइनल डे के बाद कैडेट में 7 मेडल और जूनियर में 5 मेडल, टोटल 12 मेडल के साथ इंडिया खत्म किया है। जूडो में इंडिया का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस लाजवाब रहा। सबसे पहले ओमेन्स कैडेट का 48 किलो कैटेगरी में तनु मन जो सेकंड पोजीशन में सिल्वर मेडल के साथ खत्म किया। 52 किलो कैटेगरी में तनिस्ता तोकस भी थर्ड पोजीशन बनाई और ब्रॉन्ज मेडल जीती है। 57 किलो कैटेगरी में चाम्बाम भी थर्ड पोजीशन बनाई और ब्रॉन्ज मेडल जीती। 63 किलो कैटेगरी में हिमांशी तोकस फिफ्थ पोजीशन बनाई है। 70 किलो कैटेगरी में नंदिनी भट्ट भी थर्ड पोजीशन बनाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीती। और प्लस 78 किलो कैटेगरी में इसरूप नरंग जो फिफ्थ पोजीशन बना के इस टूर्नामेंट खत्म की है। फिर मेंस कैडेट के लिए 8 खिलाड़ी हिस्सा लिया था, जिसमें से 50 किलो कैटेगरी में सागर जो थर्ड पोजीशन बनाया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। 55 किलो कैटेगरी में ज्योतिन फिफ्थ पोजीशन में खत्म किया। 60 किलो के लिए सिद्धार्थ रावत और 66 किलो के लिए बलोहर तनिश ने सेवन पोजीशन में खत्म किया। 73 किलो कैटेगरी में लशराम ने फिफ्थ पोजीशन बनाया। 81 किलो कैटेगरी में शीतल सिंह थर्ड पोजीशन बनाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। 90 किलो कैटेगरी में भी अनिल ब्रॉन्ज मेडल के साथ खत्म किया। और प्लस 90 किलो कैटेगरी में मनविंदर सिंह जो सेवन पोजीशन बनाते हुए टूर्नामेंट खत्म किया। फिर जूनियर्स ओमेन कैटेगरी में 5 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी ने मेडल जीती है। 52 किलो कैटेगरी में सिमरन फिफ्थ पोजीशन बनाई। 57 किलो कैटेगरी में चानबाम लिंथोय ने सेकंड पोजीशन बनाते हुए सिल्वर मेडल जीती। 63 किलो कैटेगरी में उन्नति शर्मा भी सिल्वर मेडल के साथ खत्म की। 70 किलो कैटेगरी में रवीना देवी भी थर्ड पोजीशन बनाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीती। और प्लस 78 किलो कैटेगरी में भी इसरूप ब्रॉन्ज मेडल के साथ खत्म की है ये टूर्नामेंट। फिर जूनियर्स मेन कैटेगरी में 73 किलो में अरुण कुमार सेवन पोजीशन बनाया। 81 किलो में मोहित जो फिफ्थ पोजीशन बनाते हुए खत्म किया टूर्नामेंट। 90 किलो कैटेगरी में जगतार सिंह और 100 किलो कैटेगरी में दीपक देसवाल दोनों ने सेवन पोजीशन में खत्म किया। प्लस 100 किलो कैटेगरी में यश जो सेकेंड पोजीशन बनाते हुए सिल्वर मेडल के साथ ये टूर्नामेंट खत्म किया। तो इस पूरा टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा ओमेन्स के लिए चंदबाम लिंथोय ने, जो दोनों डिवीजन में कैडेट और जूनियर्स दोनों में 2 मेडल अपने नाम किए हैं।